कृष्णा, मैं कृष्ण मंदा जगन्नाथ किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बना रहे हैं। चलिए देखते हैं उसके लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता है। 100 ग्राम हमने साबूदाना लिया है जिसको हमने 4 से 5 घंटे भिगोया है। देखिए ये भीगने के बाद पूरा परफेक्ट हो गया, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये हमने 2 बड़ा चम्मच मूंगफली लिया है जिसको हमने रोस्टेड करके दरदरा पीसा है मिक्सी में। ये हमने 2 बड़ा चम्मच सेंधा नमक लिया है व्रत वाला। ये 1 बड़ा चम्मच हमने काली मिर्च, ये 1 बड़ा चम्मच घी गाय का। हम अपना गैस ऑन करते हैं। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। हल्का सा घी को हम गर्म होने देते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसको गैस को अपना सिम करके इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। तुरंत हम इसमें मूंगफली रोस्टेड जो हमने ग्राइंड करी है इनको ऐड कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच नमक ऐड करते हैं। ये व्रत वाला नमक है क्योंकि हम साबूदाना का खिचड़ी व्रत के लिए बना रहे हैं। ये हमने काली मिर्च ऐड किया है इसमें, ये 1 बड़ा चम्मच है। अब इसको हम चलाएंगे। आप चाहो तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हो, पर आप आलू बॉईल करके ऐड करना। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं तो वो भी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। गैस को हम हल्का सा तेज करते हैं और ये हमारा देखिए परफेक्ट खिला खिला एकदम से साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार है। एक बात आप हमेशा याद रखिए, इसमें जीरा नहीं डालना है क्योंकि एकादशी के व्रत में हम जीरा नहीं खाते हैं और ना ही हल्दी, तो इसलिए आप इसको सिंपल ही बनाएं और शुद्ध और सात्विक खिचड़ी भगवान को ऑफर करें और फिर आप प्रसाद में लें। देखिए ये 2 मिनट हो गया है और ये हमारा खिचड़ी बनके तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको बर्तन में निकाल कर थोड़ा ठंडा करके ऑफर करेंगे भगवान को। चलिए अब इसको हम ऑफर करने के लिए इसमें निकालते हैं बाउल में। और भगवान को हम ऑफर करेंगे। अब इसमें हम तुलसी पत्ता डालते हैं। तुलसी पत्र डालने के बाद हम ऑफर करने के लिए चलते हैं। चलिए अब हम जगन्नाथ जी को ऑफर करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। हरे कृष्णा।